इस टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम। अब देखो ये कितना भारी शब्द यूज कर रहा है फिजिक्स का, इन अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम। पता नहीं आज कौन सा न्यूटन का कोई अवतार आएगा और उसको समझाएगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं। न्यूटन ने ही बनाए थे रेफरेंस फ्रेम। उसने कहा कि अगर मान लो एक बॉडी की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आ रहे तो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, कुछ मेंशन नहीं है तो ग्राउंड, सही है। फिर इस क्लास में ये बोला गया कि भाई हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल जो सॉल्व करके दूसरी कार की वेलोसिटी अगर 80 किलोमीटर पर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 90 किलोमीटर पर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो न्यूटन कहता है ऐसे ना पढ़ाएं, बार बार क्यों बुलवा रहे हैं स्टूडेंट से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कहते हैं ऐसा बोलें कि आपका रेफरेंस फ्रेम क्या है, अर्थ, ग्राउंड। आपका रेफरेंस फ्रेम क्या है, ग्राउंड, मतलब हर चीज निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसे बोलते हैं टेकिंग अ रेफरेंस फ्रेम, सही है। तो जैसे ए कार मूव कर रही है और बी कार मूव कर रही है, तो ए कार मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 और बी कार मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 60, ए कार की वेलोसिटी बी कार को देखते हुए बोलो कितनी, जीरो। तो आपने अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया, विद रिस्पेक्ट टू बी कार, ना 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 ना, बी के रेफरेंस फ्रेम में आपने काम किया, बी विद रिस्पेक्ट टू बी किया। अब समझ में आ रहा है फिजिक्स की टर्म कैसे यूज की जाती है, ये विद रिस्पेक्ट टू की जगह वो फ्रेम यूज करेगा वर्ड कि किस फ्रेम में काम किया, राइट, क्लियर है यहां तक। तो नॉर्मली हम ग्राउंड के फ्रेम में काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, मैंने खुद आज ही देखा, मैंने पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर देखा था, आज मेंस की प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर रहे थे आज क्लास के बाद, आप भी कर सकते हैं, मैंने जो पीडीएफ सेंड किया था उसके अंदर प्रॉब्लम मिलेंगे आपको रिलेटिव वेलोसिटी की। तो रिलेटिव वेलोसिटी की एक प्रॉब्लम थी, बहुत सिंपल प्रॉब्लम बुक्स में गिवन होती है, आप ना ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, एक ट्रेन जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5, उसके ऊपर छत पे एक बंदर है मंकी, वो भाग रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2, तो बोलो आपको मंकी की स्पीड क्या लगी, ये क्वेश्चन है आपको। अच्छा ठीक है, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, हाँ ग्राउंड पे खड़ा है, तो क्या लगता है आपको आंसर क्या देना चाहिए, ये 5 है और ये 2 है तो क्या देना चाहिए, 7 देना चाहिए, हाँ कॉमन सेंस तो 7 ही बोलती है, क्योंकि अगर सोचो ये ट्रेन भी अगर रेस्ट पे होती और आप ग्राउंड पे खड़े होते तो आप मंकी भाग रहा है 2 के स्पीड के साथ तो आप क्या बोलते, स्पीड 2 है, पर अगर ट्रेन भी चल पड़ी तो ऑब्वियसली ट्रेन के साथ मंकी भी भाग रहा है आगे की तरफ तो आंसर 7 आएगा, हाँ ठीक है सही है। अब क्वेश्चन मैंने मेंस में ये देखा, दो ट्रेन्स क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को विद अ वेलोसिटी गिवन है, एक ट्रेन में एक पैसेंजर उल्टा ट्रेवल कर रहा है, ए ट्रेन के अंदर चल रहा है, आपको बताना है कि बी ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं उस बंदे की स्पीड क्या है, आप खुद भी चल रहे हैं उसकी ट्रेन भी चल रही है और साथ में वो बंदा भी चल रहा है। अब देखो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, अब जब तक कोई रूल नहीं लगेगा तब तक क्वेश्चन कब तक कॉमन सेंस चलाओगे, हो तो ये भी कॉमन सेंस ही जाएगा पर लेकिन रूल सही लगना चाहिए। तो समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम आप मेंस के अंदर देख सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है, टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ रेफरेंस मूविंग रेफरेंस फ्रेम। मूविंग रेफरेंस फ्रेम का मतलब है ये आपका रेफरेंस फ्रेम है, ट्रेन इज अ रेफरेंस फ्रेम, तो आप कि जो बॉडी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड वो ग्राउंड पे मूव नहीं कर रही, वो किस पे मूव कर रही है, एक ट्रेन पे या ट्रॉली पे या फिर जो भी है कंपार्टमेंट पे मूव कर रही है, समझ में आ रहा है, यहाँ कार पे मूव कर रही है, लेकिन आप एज अ फिजिक्स स्टूडेंट अपने आंसर जो देते हैं वो ग्राउंड के फ्रेम में आंसर देते हैं, तो आपको तो ग्राउंड के हिसाब से आंसर देना है। तो आप लोग तो यहीं बैठे हैं ग्राउंड में और आपसे पूछा गया कि बता बी की स्पीड क्या है, ठीक है, ग्राउंड पे बैठ के क्या स्पीड है। तो अब रूल क्या है, रूल ये है वेलोसिटी ऑफ बॉय है ना, तो मेरे को क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालनी है, ग्राउंड, ग्राउंड। तो कोई कहता है एक काम करो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मैंने कहा कैसे, कहता वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, यही रूल है। तो लेकिन अगर मैं ये रूल लगाऊंगा वी बी माइनस वी जी, अरे जी तो पहले ही जीरो पे है और वी भी मेरे को निकालना है तो बात तो वहीं आ गई, तो मेरे को तो वेलोसिटी ऑफ बॉय तो निकालनी है रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये चीज तो मुझे निकालनी है। तो एक ना रूल है फिजिक्स में कि अगर आपको किसी बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है और
जो बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है वो ग्राउंड पे नहीं भाग रहा, वो किसी और कार की छत पे या ट्रेन की छत पे भाग रहा है, और वो बॉडी भी मोशन में है, यानी कि वो रेफरेंस फ्रेम भी मोशन में है। तो तुम कुछ ना करो, तुम बॉडी की वेलोसिटी में उस रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी को सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। और अदर यहाँ पर वेक्टर लगा लेना प्लीज, वेक्टर सम होता है वेलोसिटी, स्केलर नहीं है। इसमें इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को क्या लगेगा, इसकी स्पीड क्या है, 2 + 5 = 7। तो सही है यहाँ तक, ये शॉर्टकट क्लियर है क्या, ये स्पीड, ये पॉइंट क्लियर है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है और वो ऑब्जेक्ट किसी प्लेटफॉर्म पे भाग रहा है, प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी में प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी का वेक्टर सम ले लो। जैसे अगर मान लो सेम क्वेश्चन होता है कि ये बॉय आगे जाने के बजाय पीछे जाता, तो आंसर 3 हो जाता, 3 हो जाता, 2 फिर 5 + 2 ना होता, 5 - 2 करना पड़ना था, क्योंकि वेक्टर सम बोला मैंने। क्वेश्चन ये आएगा, यहां से ज्यादा क्लियर होगा, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म आगे चलता जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4, सही। इसके ऊपर ये मैन है, ये मैन आगे चल रहा है, बॉय चल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3। तो बॉय, जैसे इमेजिन करो एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बॉय ऐसे चल रहे, इसके ऊपर चल रहा है ऐसे, और प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है। तो सोचो ये बॉय आगे इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, प्लेटफॉर्म इसको यहां ले जाएगा, बॉय इधर आ जाएगा। तो मैंने तो एक सिंपल रूल बता दिया आपको कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ आप ग्राउंड पे खड़े हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस मैन की स्पीड क्या है, आप सिंपली वेक्टर सम ले लेना, किसका, बॉय की वेलोसिटी का और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी का वेक्टर सम ले लेना, आंसर आ जाएगा। मैंने यही कहा ऐड कर दें वेलोसिटी, ऐड करके दिखाऊं, मान लो ये वाई एक्सिस है, तो बॉय की स्पीड कितनी है, 3 जे कैप, जे कैप मतलब ऊपर जे कैप है, और प्लेटफॉर्म राइट पे जा रहा है, तो वेलोसिटी कितनी है, 4 i कैप, ठीक। तो ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी 4 i कैप है, बॉय की वेलोसिटी कितनी है, 3 j कैप है। और मैंने क्या शॉर्टकट बताया, अगर बॉय की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है तो इस बॉय की वेलोसिटी में प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी का वेक्टर सम ले लेना। अब इस बार उसमें तो सिंपली ऐड हो गया था 5 और 2 = 7, इसमें कैसे ऐड होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो वेक्टर सम लगेगा, तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी दोनों का, वेक्टर सम। और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 + 4 का स्क्वायर, आंसर 5 m/s। सेम काम आप डायग्राम से कर सकते थे, ये बॉय की वेलोसिटी है, ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी राइट है, तो नेट वेलोसिटी ट्रायंगल लॉ से क्या बनेगी, 5 ही बनेगी। तो समझ में आ रहा है कैसे होगा। और अगर एंगल पूछ ले कि किस डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा 3/5 बोल देना, आंसर आ जाएगा। चलो एंगल तो क्या पूछेगा, नेट वेलोसिटी क्लियर है कैसे निकलेगी, कोई डाउट इसमें। तो एक रूल समझ में आ गया कि कुछ नहीं करना, पार्टिकल की वेलोसिटी को या मैन की वेलोसिटी के अंदर वेक्टर सम ले लेना है, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के साथ नेट वेलोसिटी आ जाएगी, कोई डाउट। तो रूल समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी मेन नीट, मुझे पता नहीं एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, कि आप एलंटे मॉल गए, वहाँ पे एस्केलेटर चल रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ 5, और आप खड़े थे, खड़े खड़े ऊपर जा रहे हो, ग्राउंड पे सब लोग आपको देख रहे थे ऊपर जाते हो, आपकी वेलोसिटी कितनी है, 5, लेकिन एस्केलेटर चल रहे, आप भी 2 के साथ चल रहे हैं, 5 + 2 = 7। अब ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को लगेगा कि आप 7 की वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप फ्रेम की वेलोसिटी को बॉडी की वेलोसिटी में ऐड कर रहे हैं। और इमेजिन करो, और क्लियर हो जाएगा, एस्केलेटर जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5, आप उल्टा भाग रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ 5, तो आपको पता है कि आप वहीं खड़े हो, तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा क्या कहेगा कि आप किस पे हो, एट, समझ में आ रहा है, क्योंकि आप वेक्टर सम ले रहे हो अपनी वेलोसिटी का विद प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी, समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसके अंदर एंड में लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम को हम एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म को रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम गेट्स एडेड इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी का वेक्टर सम लेके नेट वेलोसिटी आएगी। ये तो है फिजिक्स की बातें, हमें तो समझ में आई क्या, क्या आ गया, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, आप प्लेटफॉर्म की स्पीड लो, अपनी स्पीड लो, वहीं से ऐड या सबट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। अब समस्या ये है कि मैं ये बता तो दूं आपको एक लाइन में, लेकिन अगर न्यूमेरिकल ने पूछ लिया
consider a man is moving in a reference frame of escalator to find the net velocity in terms of या if the reference frame of escalator, आपको language कौन समझाएगा? Question attempt नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि reference frame क्या होते हैं. तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? वैसे तो हर चीज़ common sense से हो रही है, क्योंकि पहले तो practical चीज़ चलती है science में, है ना, physics में पहले तो reality में चीज़ें चलती हैं, फिर उसको study किया जाता है. ऐसा थोड़ा ना हो रहा है कि पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर तुम वहाँ एलेंटे में आंसर दे पाओगे. तुम यार जाके वैसे ही, वो तो नेचुरल है, हम तो नेचर को स्टडी कर रहे हैं. तो ये तरीका निकालना इन चीज़ों को करने का. अब आप कुछ मत करना. अब जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था, मेंस में आया हुआ है, दो ट्रेन जा रही हैं, हो सकता है ट्रेन के ऊपर, छत के ऊपर एक मैन चल रहा हो. तो फिर वो पहले आप क्या करना, ट्रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन, ट्रेन भी रिस्पेक्ट, तो आपने कुछ नहीं करना, रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी का वेक्टर सम लेना शुरू कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा. वो सिचुएशन बनाता जाएगा, आप रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी को वेक्टर सम लेके आंसर देते जाना. तो आपको वो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, उसमें बुक, उसमें रेफरेंस, उसमें पीडीएफ में एक बार चेक कर लेना, लगा के देख लेना, बिना लगाए नहीं आएगा ये. यहाँ तक क्लियर है? और एक और चीज़ बता दूँ, मैंने टॉपिक क्यों समझाया और ये इंपॉर्टेंट क्यों है. एक तो मैंने बताया क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसलिए क्योंकि अगली बार मेरे को क्या करना है, रिवर क्रॉसिंग करवानी है. अब रिवर क्रॉसिंग में प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा तैर रहा है, स्विमर तैर रहा है, और ये रेफरेंस फ्रेम देख रहे हो, रिवर चल रही है. सोचो ये प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बंदा चल रहा है, ये तैर रहा है, तो नेट वेलोसिटी निकलेगी. ये बिल्कुल यही केस बनेगा, रिवर स्विमर, यहाँ लैंड करेगा स्विमर, ये रिवर क्रॉसिंग ही है एक तरीके की. सोच लें ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये रिवर है. सोच लें कि ये स्विमर है, स्विमर सीधा तैरेगा पर लैंड यहाँ पे होगा. वो पूछेगा कि स्विमर की क्या वेलोसिटी होगी जब वो तैर रहा होगा, तो आंसर क्या होगा, 5. तो रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी.